स्टूडेंट एक बार चला गया था लिंक, फिर से जुड़ जाइए सभी लोग। भेजा नहीं, नाम बता दीजिए। चलिए भाई जुड़ जाइए फिर से। एक्चुअली बीच में चला गया, टेक्निकल फॉल्ट हो गया, वीडियो सेशन एंड हो गया। कोई बात नहीं, हम दोबारा वहीं से सेशन को शुरू कर रहे हैं। वहीं से सेशन को हम लोग 11 नंबर तक कर लिए थे शायद, बिहार के रहने वाले एक बार फिर से कर लेते हैं। 11 नंबर तक किए थे, कहाँ तक किए थे एक बार बता दीजिए आप लोग। जो लोग जुड़े हैं गुरुजी समझ रहे हैं, मनोहर यादव, कानू प्रिया, सभी को शुभकामना, जोया आरम, राहुल राणा, कुंदन भाई, एक बार क्षमा चाहता हूँ भैया बीच में लिंक चला गया, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। एबल अवार्ड तक हम लोग कर लिए थे नहीं, तो बिहार का अनिता कुमारी को मिला है वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड, ये बिहार शरीफ की रहने वाले, यहाँ तक हो गया था। चलिए डेनिस परनेल सुलिवन को कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया, चलिए बताइए। डेनिस परनेल सुलिवन न्यू राज इन्फोटेक मधेपुरा, शुभकामना मनीष कुमार जी, शिवम, सब लोग सेशन को शेयर कर दीजिए सारे ग्रुप में। सीबीआई एटीट्यूड, जो रुका वह पाया, जो गया वो खोया, बिल्कुल बिल्कुल। लगातार जुड़ जाइए सेशन के साथ, जुड़ जाइए सेशन को शेयर कर दीजिए फिर से। डेनिस परनेल सुलिवन एक गणितज्ञ हैं, इनको कौन सा अवार्ड मिला, पुलित्जर अवार्ड, मैन बुकर अवार्ड, रामानुजन अवार्ड, एबल अवार्ड, जल्दी बताइए कौन सा अवार्ड इन्हें दिया गया। सही उत्तर होगा एबेल अवार्ड दिया गया गणित के क्षेत्र में, इसे बोला जाता है गणित का नोबेल। एबेल अवार्ड को बोला जाता है गणित का नोबेल। और मैं आपको बताता हूं एक अच्छी बात कि अवार्ड 1903 से दिया जा रहा है, सॉरी 2003 से दिया जा रहा है। ये अवार्ड कब से दिया जा रहा है, 2003 से। कौन देता है, नॉर्वे की सरकार देता है अवार्ड। कौन देता है जी, नॉर्वे की सरकार देती है अवार्ड। नॉर्वे की राजधानी कहां है जी, ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। नॉर्वे को क्या कहते हैं जी, कंट्री ऑफ मिडनाइट सन। नॉर्वे को बोलते हैं कंट्री ऑफ मिडनाइट सन। एबेल पुरस्कार कौन देती है, रट लो, नॉर्वे। किस क्षेत्र, गणित का नोबेल
एबेल पुरस्कार को कहते हैं, ओस्लो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, कब से दिया जा रहा है? 2003 से। कब से दिया जा रहा है भैया? 2003 से। पहले भारतीय जिन्हें अवार्ड दिया गया था, पहले भारतीय जिन्हें अवार्ड, एकमात्र भारतीय श्रीनिवास एस आर वर्धन, श्रीनिवास श्रीनिवास निवास एस आर वर्धन, एस आर वर्धन एकमात्र भारतीय जिन्हें एबेल अवार्ड मिला हुआ है 2007 में इन्हें एबेल पुरस्कार दिया गया था। नोट कर लीजिए, पहले भारतीय श्रीनिवास एस आर वर्धन, एकमात्र भारतीय श्रीनिवास एस आर वर्धन जिन्हें एबेल पुरस्कार मिला है, 2003 से दिया जा रहा है। गणित का नोबेल इसको कहते हैं। कौन देती है? नॉर्वे सरकार, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। और नॉर्वे को क्या बोलते हैं? कंट्री ऑफ मिडनाइट सन, मध्य रात्रि के सूर्योदय का देश, मध्य रात्रि के सूर्योदय का देश नॉर्वे को बोलते हैं। गणित का नोबेल कब शुरू हुआ? 2003 में। एकमात्र भारतीय जिन्हें एबेल अवार्ड मिला, श्रीनिवास एस आर वर्धन, श्रीनिवास एस आर वर्धन। सामने में डेनिस परनेल सुलीवन का चित्र मैंने लिया है, यही है डेनिस परनेल सुलीवन, जिन्हें इस बार आईपीएल देखो बाद में शादी करना। अच्छा, सब लोग राय विचार भी अपने में कर रहे हैं, है ना, कब किसको क्या करना है। देखो भैया, यही सुलीवन साहब हैं जिनको इस बार एबेल अवार्ड मिला है। सामने इनका चित्र आप देखिए और याद रखिए इनके चेहरे को। सर, बुक कब से मिलेगा? 27 तारीख से। जो करंट की बुक है, सेंटर से आके आप चाहें तो लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबके लिए फ्री है। आप आइए और यहाँ सेंटर से करंट अफेयर की बुक ले सकते हैं। अब मिशन 50 की टीम आपके लिए हर पल में आपके स्वाद है ना, हर स्वाद में आपके साथ है। चलो भैया, चलो, हर परीक्षा में आपके साथ है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले खिलाड़ी दुनिया के कौन बन गए? दुनिया के कौन से खिलाड़ी बन गए? सर, सेंटर कहां पर है? कलर चेंज बिल्कुल करेंगे, सबनम कलर चेंज कर देते हैं। रश्मि कुमारी, नादरा परवीन, सभी लोग जुड़ जाओ, जल्दी से जुड़ जाओ। सेशन को एक बार फिर से शेयर कर दो, ताकि एक्चुअली क्या हुआ, कट गया बीच में, तो सबको फिर से पता चले, लोगों को लगेगा कि भैया सेशन खत्म हो गया। नहीं, सेशन चलेगा। एक बार सेशन को जहां जहां शेयर करते थे एक बार कर दीजिए, ताकि वो लोग भी जुड़ जाए, छूटे नहीं। देखिए, रिकॉर्ड वीडियो तो देख ही लेगा आदमी, लेकिन लाइव वीडियो का मजा कुछ और है। चलो भैया, 8000 रन तेजी से बनाने वाले टेस्ट क्रिकेट में, वनडे में नहीं, टेस्ट क्रिकेट में 8000 रन तेजी से बनाने का रिकॉर्ड स्टीव स्मिथ के नाम आ गया। 8000 रन तेजी से, तेज किदवई पुरी। अच्छा, ये आपने एड्रेस बताया है कहां पर है, किदवई पुरी, इनकम टैक्स गोलंबर पटना आइएगा, इनकम टैक्स गोलंबर पटना आइए, वहां से आप राइट लीजिएगा किदवई पुरी है। जैसे ही इंटर करिएगा किदवई पुरी, रास्ते में इंटर करते ही सामने मिशन 50 आपको दिखेगा। आइए, मिशन 50 आपके साथ हमेशा है, एकमात्र लोभ है आपका सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन। मेहनत करना, हम आपके साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मेहनत नहीं करोगे, हम साथ नहीं देंगे। मेहनत करोगे, हम, तुम कहोगे सर मेरे लिए 10 घंटा जगिए, 20 घंटा जगिए, मत सोइए दो दिन, नहीं सोऊंगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा तभी हम करेंगे। तो मेहनत करो, हम आपके साथ खड़े हैं। और पीटी के 10 दिन पहले हम 5-5 घंटे, 7-7 घंटे की सीरीज लेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, सब पर, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। भैया, स्टीव स्मिथ, सामने इनका चित्र मैंने दिया है, देख लीजिए, स्टीव स्मिथ साहब हैं ये सबसे तेज, 8000 रन बनाने का रिकॉर्ड इनके नाम आ गया, स्टीव स्मिथ, 8000 रन बनाने का रिकॉर्ड इनके नाम आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। इस साल विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन, ये जो अभी बताया हूं ना, विंग्स इंडिया फिक्की के मदद से हो रहा है, बताया थोड़ा देर पहले, फिक्की के मदद से विंग इंडिया का आयोजन हो रहा है। कहां आयोजन होगा? पटना, बेंगलुरु, हैदराबाद या पुणे? पटना, बेंगलुरु, हैदराबाद या पुणे? चलिए बताओ जल्दी भैया, विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहां होगा? जल्दी बताइए, पटना, बेंगलुरु, हैदराबाद या पुणे? जो बताएगा मिलेगा लेमन चूस, लेमन चूस का मतलब चॉकलेट मिलेगा। जल्दी बताओ भैया, बेंगलुरु नहीं, हैदराबाद, हैदराबाद इस बार, चुक गया बेंगलुरु, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, ग्रामीण विकास संस्थान, केंद्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद,
हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, हैदराबाद सिकंदराबाद को जोवा नगर कहते हैं। चलो भैया रॉक म्यूजियम, रॉक म्यूजियम की शुरुआत कहां की गई? हैदराबाद में। नोट कर लेना मेरे भाई, कहीं नहीं जाने वाला। सामने देखिए विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कब होगा? 24 से 27 मार्च के बीच होगा। क्या शुरू है 24 मार्च से 27, 26 तारीख है, कल तक चलेगा। सामने देखिए, मैंने पूरा डिटेल में लिया है, आप इस प्रिंटआउट को जरूर ले लीजिएगा। आप लोग इसका प्रिंटआउट आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम का तीन चैनल है, याद रखिए, अलग अलग तीन चैनल है। पहला है मिशन 50 आईएएस, दूसरा है मिशन आईएएस, और तीसरा है डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह सर जो आईएएस हैं। हम लोग सभी को मार्गदर्शित करते हैं सर, हर सैटरडे संडे आपके लिए आते हैं सर, इतना प्रीसियस टाइम को निकालकर, ये बहुत बड़ी बात है। इसे लगातार चैनल से जुड़ जाइए, चैनल पर नए तो शेयर तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए सेशन को। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। एनफील्ड बैरल्स इंडिया ऑयल स्टोरी एक किताब है, एक बुक है मेरे भाई, जल्दी से इसका उत्तर दो। एक बड़ा चर्चित किताब है, इस साल का चर्चित किताब है एनफील्ड बैरल इंडिया ऑयल स्टोरी। इंडिया ऑयल स्टोरी ये किताब किसकी है? धर्मेंद्र प्रधान, ऋचा मिश्रा, गीता गोपीनाथ या पीयूष गोयल? जल्दी बताओ। चलो भाई, रजिया सुल्तान, मनोहर यादव, अमरिंदर कुमार जी, हैदर अंसारी, पायल झा, रजत जी, सभी लोग जल्दी जुड़ जाइए। सर सेट बनाने पे कम नंबर आ रहा है, बिल्कुल आएगा नंबर, प्रीवियस पेपर बनाओ। एक बात मेरा मानोगे? मान लो मेरी बात, हम तुम्हें अपना समझ कर गाइड करते हैं, कोई इसमें मेरा कोई ये नहीं, हार दी हृदय से गाइड करता हूं, प्रीवियस पेपर लगाओ। अगर रियल में चाहते हो बीपीएससी क्वालिफाई करना तो यूपी, बिहार, झारखंड, ऐसे तो मैं तो कहूंगा पूरे हिंदी बेल्ट, राजस्थान, उत्तराखंड, एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, सबका पेपर लगा जाओ। लेकिन अगर नहीं लगा सकते तो यूपी, बिहार, झारखंड का व्याख्या के साथ पेपर लगा लो। यूपी में अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस और आरओ एआरओ, ये तीनों का पेपर व्याख्या के साथ लगा लो। बीपीएससी का 12 साल 13 साल लगा लो और झारखंड का लगा लो। अगर लगा लेते हो पेपर, प्रीवियस पेपर, तो तुम्हारा ये मान के चलो कि आप बहुत सुकून से वहां परीक्षा देंगे। चलो भैया, तो एनफील्ड बैरल्स इंडिया ऑयल स्टोरी पुस्तक किसने लिखी? धर्मेंद्र प्रधान, ऋचा मिश्रा, गीता गोपीनाथ, पीयूष गोयल? जल्दी बताइए किसने लिखा? तो लिखा है ऋचा मिश्रा ने। ऋचा मिश्रा ने लिखा है इस किताब को, एनफील्ड बैरल्स इंडिया ऑयल स्टोरी, ऋचा मिश्रा। प्रीवियस पेपर का बड़ा रोल होता है, आप मान के चलिए प्रीवियस पेपर से क्वेश्चन यदि आपका गलती होता है, इसका मतलब रेस से बाहर है आप। जितने लोग तैयारी करते हैं बीपीएससी का, यूपी पीसीएस का या आईएएस का, वो प्रीवियस पेपर वाला क्वेश्चन कभी गलती नहीं करते। आपका गलती हुआ, पूछा हुआ प्रश्न, इसका मतलब आप गए। इसलिए प्रीवियस पेपर को भगवान बना के डेली 2 घंटा लगाइए। एक बार लगा लिए हैं तो दोबारा लगाइए, तिबारा लगाइए, चौबारा लगाइए, पचबारा लगाइए। लूसेंट को, अब लूसेंट पढ़ने का ही टाइम है, ग्रंथ पढ़ने का टाइम नहीं है। लूसेंट को कम से कम लूसेंट को 5 से 6 बार पढ़ जाइए, क्लियर है, तब काम होगा। तो भैया ऋचा मिश्रा, नेक्स्ट आते हैं। देखो सामने इस किताब का मैंने चित्र भी लिया है, इस किताब का मैंने चित्र भी लिया, ऋचा मिश्रा ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार के किस जिले में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे? बिहार के किस जिले में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे? किस जिले में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे? गया मुंगेर, सहरसा मुंगेर, मोतिहारी मुंगेर या पटना मुंगेर? जल्दी बताइए बिहार के किस जिले में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे? चलो भैया लगातार जो राय देता हूं मान लीजिए, चूंकि ये राय सुना हुआ नहीं है, अनुभव से प्राप्त किया राय है, और सच बता रहा हूं। हम जब बोलते हैं जोर से तो यहां से बोलते हैं, धीरे बोलते तो यहां से बोलते हैं, और जोर से बोल रहे हैं मतलब समझ लो कि बात यहां से निकल रही है और अनुभव से निकल रहा है। गांधी जी क्या करते थे, विवेकानंद क्या करते थे, बात नहीं। हमने जो किया और जिस वजह से मैंने पास किया पीटी, कभी फेल नहीं किया, इसका कारण था प्रीवियस पेपर, करंट अफेयर, मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस, इस पर कमांड। आपका पीटी रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। चलो भैया, वित्तीय वर्ष 2022-23 में मोतिहारी और मुंगेर में खोला जाएगा मेडिकल कॉलेज। और जान जाओ बिहार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहां कहां है, जल्दी बताओ। मोतिहारी और गया, बिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी और गया में, बिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी और गया में, और नए मेडिकल कॉलेज मोतिहारी और
मुंगेर में, नोट कर लीजिए, नए मेडिकल कॉलेज मोतिहारी और मुंगेर में। देखिए सामने ऐसे ही पिक ले लिया मैंने नया मेडिकल कॉलेज का। आगे आइए 187वां असम राइफल स्थापना दिवस, 187वां असम राइफल स्थापना दिवस कब मनाया गया? 20 मार्च, 22 मार्च, 24 मार्च या 26 मार्च? 20 मार्च, 22 मार्च, 24 मार्च या 26 मार्च? 187वां असम राइफल स्थापना दिवस कब मनाया गया? जल्दी बताइए असम राइफल का स्थापना दिवस कब मनाया गया? जल्दी बताओ, 20 मार्च, 22 मार्च, 24 मार्च या 26 मार्च? असम राइफल का स्थापना दिवस कब मनाया गया? सभी लोग आंसर करिए, जितने लोग जुड़े पर सेशन को शेयर कर दीजिएगा। सेशन बेहतर लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, ताकि मुझे पता चले कि हम जो सेशन करा रहे हैं वो रियल में बेस्ट है, अच्छा है, बुरा है। यदि कोई मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर देना, मैं उसको फॉलो करूंगा, ये प्रॉमिस करता हूं। बताइए 187वां असम राइफल स्थापना दिवस मनाया गया कब? जल्दी बताओ कब मनाया गया? कुछ लोग 22 मार्च, कुछ लोग 26 मार्च, देखता हूं क्या है, 24 मार्च। सही उत्तर क्या होगा? 24 मार्च असम राइफल स्थापना दिवस, 24 मार्च, नोट कर लीजिए। आगे आइए भाई, देखो सामने असम राइफल का मैंने एक चित्र ले लिया है, स्थापना दिवस 24 मार्च। नेक्स्ट आ जाओ, लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे किस मंत्रालय के सलाहकार नियुक्त हुए हैं? लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे, सामने देखें इनका चित्र है, ये किस मंत्रालय के नियुक्त हुए हैं सलाहकार? अब लेफ्टिनेंट जनरल है तो गेस भी कर सकते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल है तो सेना में होंगे, तो आप गेस कर सकते हैं किस मंत्रालय के सलाहकार बने होंगे। रटना मना है, रटना मना है भैया, किस मंत्रालय के सलाहकार नियुक्त हुए हैं? लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे, रक्षा मंत्रालय, भूलना मना है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नोट कर लेना, रक्षा मंत्रालय के सलाहकार नियुक्त हुए हैं जनरल विनोद जी खंडारे। देखिए सामने ये खंडारे साहब हैं, इन्हें रक्षा मंत्रालय के सचिव नियुक्त किया गया है। देखो भाई, देखो एनिमेशन से क्या होता है ना, जो चीजें देख लेते हैं ना, जैसे हम कहानी सुना दे अकबर के बारे में, अकबर ऐसा था वैसा था, और अकबर का एक रील चला दे वीडियो, पूरी कहानी आप कभी नहीं भूलेंगे। तो भैया ये सब आपके लिए करता हूं, मेहनत करता हूं, ऐसा नहीं कि आता हूं बस शुरू कर दिया किसी तरह से, नहीं, काम होगा, हम चाहते हैं कि आपका काम आसान हो जाए। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय ग्रैंड प्रिक्स ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट है, यहां पर गलती से टाइप हो गया है, ग्रैंड प्रिक्स, भारतीय ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट में कितने मीटर स्टेपल चेज राष्ट्रीय रिकॉर्ड अविनाश सेबल ने बनाया है? अविनाश सेबल ने रिकॉर्ड बनाया है, कितने मीटर का रिकॉर्ड है वो? 2000 मीटर, 3000 मीटर, 4000 मीटर या 5000 मीटर? कितने मीटर का रिकॉर्ड बनाया है? 19 नहीं पता, प्रियंका कुमारी, प्रभात सिन्हा, निकिता, रोना नहीं है, रोना नहीं, मुस्कुराना है, हंसना है भैया। अविनाश कुमार, 3000 मीटर का रिकॉर्ड है ये, 3000 मीटर रिकॉर्ड है भैया अविनाश सेबल। सामने इनका चित्र मैंने लिया, देख सकते हैं आप, अविनाश सेबल जी हैं जिन्होंने 3000 मीटर का रिकॉर्ड बनाया है। अविनाश सेबल ने 3000 मीटर का रिकॉर्ड बनाया। सेशन को शेयर कर दो भाई, सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर दो। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस बैंक ने चेन्नई सुपर किंग के साथ मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? चेन्नई सुपर किंग के साथ मिलकर कौन सा बैंक? आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एचएसबीसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को किसके साथ मिलकर चेन्नई सुपर किंग कप्तान बन गए हैं? सर जी, कप्तान कौन बन गए जी? सर जी का मतलब रविंद्र जडेजा है ना जी, सर जी गाइड करते हैं हमेशा ना,
तो भैया आईसीआईसीआई, क्या सही उत्तर होगा? आईसीआईसीआई बैंक। इसने को ब्रांडेड, सामने देखो इस क्रेडिट कार्ड का चित्र मैंने लिया, देखो सामने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है किसने? चेन्नई सुपर किंग के साथ मिलकर आईसीआईसीआई बैंक। चलो भाइयों, कार्बन तटस्थ कृषि विधियों को प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य। कार्बन तटस्थ का मतलब क्या? तटस्थ का मतलब अलग हो जाना कार्बन से, मतलब ऐसी खेती जो पॉल्यूशन नहीं फैलाएगा, न मिट्टी पॉल्यूशन, न सॉइल पॉल्यूशन, न एयर पॉल्यूशन, ऐसी खेती करेंगे। ऐसा खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? कार्बन तटस्थ खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक, सिक्किम, केरल या महाराष्ट्र? उत्तर दीजिए। गुड इवनिंग मोहम्मद कुंदन भारती, जल्दी से बताओ कौन सा राज्य भारत का कौन सा राज्य बन गया? जल्दी बताओ, केरल। केरल इज द राइट आंसर। कार्बन तटस्थ कृषि विधियों को प्रयोग करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बना। केरल भारत का पहला राज्य बना। और जानते हैं आप, भारत का पहला जैविक राज्य सिक्किम, दूसरा जैविक राज्य केरल है, और पहला जैविक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। भारत का पहला जैविक केंद्र शासित प्रदेश, नोट कर लो, लक्षद्वीप। पहला जैविक राज्य सिक्किम, पहला जैविक राज्य सिक्किम, और पहला केंद्र शासित प्रदेश जैविक कौन है भैया? तो लक्षद्वीप, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, सामने देखो जैविक खेती का मैंने चित्र दे दिया है, कार्बन तटस्थ खेती का चित्र देख लीजिए आप, केरल ने शुरू किया पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता प्रारंभ करने की घोषणा की है? ध्यान रखो, करंट अफेयर है, आंसर देख के मारना। किस राज्य सरकार ने अभी समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44, भूलना मना है, नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, और अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड है मेरे भाई, इसको लागू करने वाला पहला राज्य, एकमात्र राज्य गोवा। लेकिन अब एक और राज्य ने कहा है कि हम लगाएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब या मणिपुर? जल्दी बता दो मेरे भाई, किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता प्रारंभ करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब या मणिपुर? उत्तर दे दो भाई, किस राज्य ने कहा है? भगवंत मान वाला मत मार देना, भगवंत मान का मत मारना भैया, उत्तराखंड। भगवंत मान नहीं, भगवंत मान पेंशन खत्म किए हैं, विधायक का जितना बार विधायक उतना बार पेंशन जोड़ के मिलता था, मतलब अगर 20 बार विधायक मिले तो 20-25 लाख पेंशन नहीं मिलेगा आपको, टेंशन खत्म हो गया जीवन का। ये तो हमारा देश है जहां कर्मचारी को पूरा जीवन नौकरी करने के बाद पेंशन नहीं, और नेता जितना बार विधायक बने उतना बार पेंशन। सोचिए, लूटता है सो अलग, नेता मतलब 99% लुटेरा, डकैत, चोर नहीं, डाकू। चलो भैया आगे बढ़ो भैया, उत्तराखंड, उत्तराखंड नोट कर लीजिए, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने हैं, पुष्कर सिंह धामी सीएम बने हैं, समान नागरिक संहिता, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते भाई, बिहार के रहने वाले अरविंद कुमार सिंह को इंटरनेशनल, देखो ये जो अवार्ड है ना, चेस का अवार्ड है ये अवार्ड, जो शतरंज का अवार्ड है, ध्यान रखना ये अवार्ड शतरंज के फील्ड का है, इंटरनेशनल ऑर्बिटल अवार्ड अरविंद सिंह को मिला है। ये बिहार के किस जिले से है? अरविंद कुमार सिंह को इंटरनेशनल ऑर्बिटल अवार्ड मिला है, ये बिहार के किस जिले से है? एक बार बन जाऊं एमएलए मजा आ जाएगा सर, बिल्कुल बन जाइए अगर बन सकते हैं तो, बढ़िया आजकल नेता बनना, अगर बन सकते हैं तो बन जाइए, नहीं तो नहीं बन सकते तो चुपचाप तैयारी कीजिए, चुपचाप तैयारी कीजिए, नौकरी कीजिए। चलो भैया, अरविंद कुमार सिंह को इंटरनेशनल ऑर्बिटल अवार्ड दिया गया, ये किस जिले से है बिहार के? सारण, सिवान, गोपालगंज या मोतिहारी? दे दो उत्तर, चेस के फील्ड का इंटरनेशनल ऑर्बिटल अवार्ड मिला है, किस क्षेत्र से है? नहीं बच्चों, सारण। ये कहां से रहने वाले हैं भाई? अरविंद कुमार सिंह का संबंध सारण से है। मैं कोशिश करता हूं कि बीच में कुछ स्टेट स्पेशल भी लाया जाए, यही अरविंद कुमार सिंह है जिनको ये अवार्ड मिला है, सारण से बिलोंग करते, सारण के अरविंद कुमार सिंह है भैया, लगातार जुड़ जाओ, मेहनत करो। हाल ही में हिरण के स्थानांतरण के लिए बोमा कैप्चरिंग तकनीक, इसमें क्या होता है, हिरण को दौड़ाया जाता है, झाड़ी ताड़ी लगा के
हिरन को दौड़ाया जाता है चारों तरफ से, और फिर हिरन को पकड़ लिया जाता है और उसको जहां ले जाना हो ले जाओ। इसी तकनीक को बोलते हैं बोमा कैप्चरिंग तकनीक। झाड़ी लगा दिए, हिरन आया वहां रुक गया, फिर उधर से झाड़ी लगा दिए, झाड़ी लगा दिए, इस तरह से कैप्चर कर लिए। तो हिरन को पकड़ने के लिए बोमा कैप्चरिंग तकनीक का प्रयोग किस राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है, कौन से नेशनल पार्क में हिरन को पकड़ने के लिए बोमा कैप्चरिंग तकनीक का प्रयोग हुआ है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान? जल्दी बताइए, मेहनत करना है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं, हमें डिगा नहीं सकता कोई भी एग्जाम से पहले तक में। चलो भैया आप लोगों को भी डिगना नहीं है, सही उत्तर क्या होगा? केवलादेव पक्षी विहार है। वैसे केवलादेव पक्षी विहार, इसका एक और नाम है, नोट कर लीजिए, घाना पक्षी विहार। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का एक और नाम है घाना पक्षी विहार। किस लिए फेमस है जी? साइबेरिया के सारस, साइबेरिया के सारस, सारस के लिए। कहाँ है? राजस्थान के भरतपुर में, राजस्थान के भरतपुर में है। भरतपुर यानी केवलादेव का ही नाम घाना पक्षी विहार, दोनों सेम है। घाना पक्षी विहार भी है, साइबेरिया के सारस के लिए प्रसिद्ध है। भरतपुर राजस्थान के भरतपुर में है। भरतपुर किस लिए प्रसिद्ध है? भरतपुर किस लिए प्रसिद्ध है भैया? केंद्रीय, बताओ, केंद्रीय क्या? केंद्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान, सरसों अनुसंधान संस्थान लिख लो, नहीं मिलेगा कहीं। केंद्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर में है। अब और यह किसका एग्जाम्पल है? आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि, नम भूमि, नम भूमि, और रामसर भूमि का उदाहरण है। रामसर भूमि भारत में कितने? 49। भारत में टोटल कितने? 49। तो घाना पक्षी विहार किसका एग्जाम्पल है जी? वेटलैंड का, वेटलैंड, रामसर लैंड, आर्द्र भूमि, नम भूमि, टोटल कितने? 49। और 49 में से कौन है? घाना पक्षी विहार। राजस्थान के भरतपुर, भरतपुर में केंद्रीय सेंट्रल मस्टर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट भरतपुर में है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में हिरन को पकड़ने के लिए बोमा कैप्चरिंग तकनीक का प्रयोग हुआ है। नोट कर लीजिए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये सामने ये घाना पक्षी विहार का चित्र दिया हूं। देखो साइबेरिया का सारस, साइबेरिया का सारस जाड़ा के दिनों में आ जाता है, इन जाड़ा के दिन में ये साइबेरिया छोड़ के आ जाता है भारत, और फिर मार्च में गर्मी बढ़ जाता है, फिर साइबेरिया चले जाते हैं। यही इनका नियम है, गर्मी ठंडा बर्दाश्त नहीं होता तो आ जाते हैं इंडिया, अभी जैसी गर्मी आ जाता तो फिर साइबेरिया। इनके लिए बीजा वीजा थोड़ा ना लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में देश का पहला माउंटेन टेरेन बाइकिंग एंड साइकिलिंग मोटोक्रॉस, मोटोक्रॉस राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का स्थापना कहां किया गया? जल्दी बताओ, पहला, भारत का पहला माउंटेन टेरेन बाइकिंग साइकिल मोटोक्रॉस राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का स्थापना कहां किया गया? कांगड़ा, शिमला, श्रीनगर, मसूरी? कांगड़ा, शिमला, श्रीनगर या मसूरी? मनोहर, वेस्ट बंगाल में सावन में मेला लगता है, बिल्कुल शिमला, शिमला आंसर आ रहा है। मैं देखता हूं मसूरी भी कुछ लोग दे रहे हैं। इसका सही उत्तर होगा शिमला। सही उत्तर क्या होगा मेरे भाइयों? शिमला, शिमला मिर्च। शिमला में क्या फेमस है? शिमला को लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी ने क्या बनाया था? इसको बड़ी गर्मी लगता था, किसने बनाया था शिमला को? ग्रीष्मकालीन राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया शिमला को? लॉर्ड डलहौजी। और शिमला के संत किसको बोलते हैं? शिमला के सन्यासी, शिमला के सन्यासी किसको बोलते हैं? ए ओ ह्यूम। इनको कांग्रेस के फाउंडर भी कहते हैं, ए ओ ह्यूम, शिमला के सन्यासी। लॉर्ड डलहौजी ने शिमला को समर कैपिटल बनाया। और शिमला में ही एक जगह है कुफरी, शिमला में ही एक जगह है कुफरी, जहां केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। पूछा जाए कहां है मेरे भाइयों, तो ये कहां है? शिमला में। सारी बात नोट कर लो, एकदम से पूरा कंप्लीट विजन के साथ काम हो रहा है। तो शिमला में खोला गया है साइकिलिंग
और बाइकिंग मोटोक्रॉस उत्कृष्टता केंद्र शिमला में, शिमला के बारे में इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि बाद में आप इसको नोट कर सके। सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए। देखो भैया सामने इस सेंटर का उत्कृष्टता केंद्र का मैंने चित्र दिया है, सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि हमें पता चले कि कितना आपको आपको लाभ हो रहा है या नहीं। हाल ही में किस देश के काले गैंडा, गैंडा का मतलब राइनोसेरस, गैंडा का मतलब अंग्रेजी में राइनोसेरस, काले गैंडे को बचाने के लिए विश्व बैंक ने वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है। वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड काले गैंडे को बचाने के लिए, कौन से देश के काले गैंडे, कलर चेंज करिए सर, अच्छा कर देता हूं, कलर चेंज कर लूंगा आप, चलो भाई कलर चेंज हो गया, चलो आपकी बात। संरक्षण बॉन्ड जारी किया काले गैंडे को बचाने के लिए, कौन से विश्व बैंक ने वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के काला गैंडा, दक्षिण अफ्रीका के काला गैंडा को बचाने के लिए। देखो सामने इस काले गैंडे का मैंने चित्र लिया है, इसको बचाने के लिए क्या किया गया है, इसको बचाने के लिए अभी बॉन्ड जारी किया है, वन्य जीव बॉन्ड। कौन जारी किया है? विश्व बैंक। विश्व बैंक का मतलब आईबीआरडी, आईबीआरडी का मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के पर्यटन विभाग का पहला व्हाट्सएप चैट बॉक्स, पहला व्हाट्सएप चैट बॉक्स बनाया है जिसका नाम है माया, इस चैट बॉक्स का नाम है माया। किस राज्य के पर्यटन विभाग ने, कौन से राज्य के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने अपना पहला व्हाट्सएप चैट बॉक्स, मतलब कि वहां अगर आप जाइएगा ना तो कॉमन नंबर जारी होगा और उस नंबर पे आप मैसेज करिएगा हेलो, तो पूरा पर्यटन की पूरी जानकारी मिल जाएगा, आपको कहां से जाना है, कैसे बस पकड़ना है, होटल कहां बुक करनी है, ये पूरा उस राज्य में आपको मिल जाएगा। किस राज्य के पर्यटन विभाग ने पहला व्हाट्सएप चैट जिसका माया नाम है दिया है, किसने शुरू किया है जल्दी बताओ, किसने शुरू किया अपना पहला माया नाम से, जल्दी बताओ भैया। इसका सही उत्तर होगा केरल, सही उत्तर क्या होगा भाइयों, केरल, 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 नोट कर लीजिए, केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम, केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम। नेक्स्ट आइए, केरल का मैंने मैप लिया है, देखिए ये केरल है भाई, देख लो केरल, यही कासरगोड है, इसके बाद आप देखें तो यहां पर आप नीचे देखें तो नीचे में त्रिवेंद्रम यहां पर है, इसकी राजधानी यही कोल्लम बीच है, यहां पर कोल्लम है, देखो ध्यान से, कोल्लम फेमस है किसके लिए, थोरियम के लिए, कोल्लम यह है जो थोरियम के लिए प्रसिद्ध है, कोल्लम देखो सामने लिखा हुआ भी है। इसके बाद यहीं पर कोची है जो बड़ा पोर्ट है यहाँ का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, भूमि स्वामित्व को ट्रैक करने के लिए, कौन आदमी का कहाँ कब्जा है, किसका जमीन कितना है, इसको ट्रैक करने के लिए गतिशील मानचित्र को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया, भूमि स्वामित्व, किसका जमीन है किसका नहीं है, किसका कब्जा है किसका नहीं है, इसको डिफाइन करने के लिए गतिशील मानचित्र को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश या पंजाब, जल्दी बताओ, गतिशील मानचित्र किसने लागू किया, जल्दी बताओ, कौन से आदमी का कितना जमीन है, इसको कोई कुछ बिहार में लोग जमीन पर कब्जा भी तो किए रहते हैं, इसको डिफाइन करने के लिए बिहार ने, नोट कर लीजिए, बिहार ने शुरू किया है भाई, बिहार ने गतिशील मानचित्र की शुरुआत की है। सामने देख लीजिए नीतीश कुमार की चेतावनी, नीतीश कुमार बोले हैं जमीन का सर्वे करा रहे हैं, सुधार सुधार करें नहीं तो पछताओगे, जमीन का क्या बोला उन्होंने, जमीन का सर्वे करा रहे हैं, सुधार करिए नहीं तो पछताइएगा। गतिशील मानचित्र लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य हो गया। आगे आइए, हाल ही में दिल्ली के द्वारका के रहने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए, दिल्ली के द्वारका के रहने वाला छात्र वैभव को किस शैक्षणिक संस्थान में छात्र संघ का नेता चुना गया है, किस शैक्षणिक संस्थान में बताओ, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स या दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, किस विश्वविद्यालय का वैभव को, अपना बिहार, अपना बिहार, बिल्कुल अपना बिहार, सपना बिहार, इसे नंबर वन बिहार बनाना है, हम सभी की जिम्मेवारी है। चलो भैया, किस विश्वविद्यालय, किस कॉलेज में वैभव को छात्र नेता चुना गया है, सही उत्तर होगा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इसे छात्र नेता चुना गया है वैभव को,
दिल्ली के द्वारका के रहने वाला है, द्वारका गुजरात में भी है और दिल्ली में भी एक इलाका द्वारका है। चलो भैया सामने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का मैंने चित्र ले लिया है, इसी का क्या बनाओ नेता चुना गया है। नेक्स्ट आइए अगला करंट अफेयर। हाल ही में अजन्मे बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब मनाया गया? अजन्मा बच्चा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब मनाया गया? 23 मार्च, 25 मार्च, 24 मार्च या 26 मार्च? जल्दी बताइए अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब मनाया गया? अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब मनाया गया? 23 मार्च, 25 मार्च, 24 मार्च या 26 मार्च? इंटरनेशनल डे फॉर अनबोर्न चाइल्ड, अनबोर्न चाइल्ड का डे, इंटरनेशनल डे कब मनाया गया? 24 मार्च, 25 मार्च, 23 मार्च या 26 मार्च? सही उत्तर होगा 25 मार्च। 25 मार्च को मनाया गया अजन्मे बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब मनाते हैं? 25 मार्च। 24 मार्च को टीबी डे, असम राइफल के स्थापना दिवस 24 मार्च, असम राइफल स्थापना दिवस 24 मार्च, टीबी दिवस 24 मार्च, अजन्मे बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 मार्च। भूलना मना है मेरे भाई। देखो सामने इंटरनेशनल डे ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड, इंटरनेशनल डे ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड डे मनाते हैं 25 मार्च को, नोट कर लीजिए मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ। हाल ही में किस राज्य के पुलिस के साथ, राज्य की पुलिस के साथ भारतीय सेना ने सुरक्षा कवच भाग दो नाम का एक्सरसाइज लिया है? जल्दी बताइए हाल ही में किस राज्य, हाल ही में किस राज्य के पुलिस के साथ भारतीय सेना ने सुरक्षा कवच टू, सुरक्षा कवच टू नाम से क्या किया भैया? अभ्यास शुरू किया है। किस राज्य की पुलिस के साथ सेना ने यह अभ्यास शुरू किया है? किस राज्य की पुलिस के साथ सेना ने अभ्यास शुरू किया? जल्दी बताइए कौन सा राज्य है? उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र या गुजरात? उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र या गुजरात? उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र या गुजरात? तो चलिए भैया सही उत्तर क्या होगा? महाराष्ट्र। सही उत्तर होगा महाराष्ट्र के सिपाही के पुलिस के साथ भारतीय सेना ने किया है सुरक्षा कवच टू अभ्यास। सुरक्षा कवच टू अभ्यास किया है महाराष्ट्र के पुलिस के साथ सेना ने। आगे आइए नेक्स्ट, देखिए यही सामने सुरक्षा कवच टू अभ्यास का मैंने चित्र लिया, देख सकते हैं आप। आगे आइए, हाल ही में मारुति सुजुकी का नया, मैं देखो मारुति सुजुकी अलग है और सुजुकी मोटर अलग है, ध्यान दो, सुजुकी मोटर अलग है और मारुति सुजुकी अलग है। सुजुकी मोटर पूछे तो जापान की कंपनी है, लिख लो सुजुकी मोटर जापान की कंपनी, अब मारुति सुजुकी इंडिया की कंपनी, दोनों में लगा है सुजुकी, सुजुकी मोटर खाली कहे तो जापान की, अब मारुति सुजुकी दोनों मिल गए तो कहां हो जाएंगे? इंडिया में। मारुति सुजुकी इंडिया में और सुजुकी मोटर अकेले जापान में, नोट कर लीजिए। तो मारुति सुजुकी का क्या बने हैं? सीईओ और एमडी बने हैं कौन? फ्रांसिस केरे, हिसामिक टेकुची, डेनिस परनेल, किन्हें बनाया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बता दो मेरे भाई। देखो मैं हीरे लुटा रहा हूं, हीरा लुटा रहा हूं भैया, डायमंड लुटा रहा हूं, लूट लो, बटोर लो, समेट लो डायमंड को, मिलेगा कहीं नहीं ऐसा डायमंड। हिसामी टेकुची, उत्तर क्या होगा जी? हिसामी टेकुची, मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ हिसामी टेकुची को बनाया गया है। आगे बढ़ता है, देखो सामने उस गाड़ी का मैंने चित्र दिया है जो बनाती है मारुति सुजुकी। आगे बढ़ लो भाई, आगे बढ़ लो, नौकरी लेनी है और सुजुकी मोटर के सबसे महंगा ब्रांड खरीदना है। चलो भैया सुजुकी मोटर के सबसे महंगा ब्रांड मेरे पास होगा, नौकरी ले लेंगे तब। चलो भैया हाल ही में डन एंड ब्रैड स्ट्रीट के अंतरराष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड में कौन शामिल हुआ है? जल्दी बताइए, हाल ही में डन एंड ब्रैड स्ट्रीट के अंतरराष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड में कौन शामिल हुआ है? रमन घोष, रजनीश कुमार, अभिषेक चटर्जी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए, डन एंड ग्रैंड स्ट्रीट के अंतरराष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड में कौन शामिल हुए हैं? तो एसबीआई के पूर्व प्रमुख, एसबीआई के पूर्व चीफ कौन है भैया? रजनीश कुमार, रजनीश कुमार एसबीआई के पूर्व चीफ हैं, पहले एसबीआई के चेयरमैन थे, एसबीआई के थे पहले, अब डन एंड
ब्रैड स्ट्रीट के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है। एसबीआई के पूर्व चीफ रजनीश कुमार, एसबीआई से इनका संबंध है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ो भैया, नेक्स्ट देखो सामने रजनीश कुमार जी का मैंने चित्र भी लिया है, इन्हें शामिल किया गया है। नेक्स्ट आओ, हाल ही में किसने गंदे जल के पित, बताया भी था मैंने एक दिन, हाल ही में किसने गंदा जल धूसर जल के प्रबंधन के लिए सुजलाम अभियान भाग दो की शुरुआत की है? गजेंद्र सिंह शेखावत, रामनाथ कोविंद, एम वेंकैया नायडू या नरेंद्र मोदी? किसने शुरू किया सुजलाम पार्ट टू? सुजलाम पार्ट टू किसने शुरू किया? सभी लोग बताओ, जितने लोग जुड़े हैं सभी बता दो भैया। प्रियंका, सुजीत, लगातार ऐसे ही मेहनत करते रहो। जज्बे को सलाम है भैया आप लोगों का, मेहनत करना जरूरी है। सही उत्तर होगा गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मंत्री, नोट कर लीजिए। वर्तमान में जल शक्ति मंत्री हैं, नोट कर लीजिए भाई, जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट आइए आगे, सुजलाम पार्ट टू, सुजलाम अभियान पार्ट टू देखिए सामने। नेक्स्ट आ जाइए, हाल ही में भारत के पूर्व चीफ जस्टिस सीजेआई का निधन हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजेआई पहले थे, पूर्व थे, अभी वर्तमान में एनबी रमन्ना है। वर्तमान में 48वें सीजेआई कौन है? एनबी रमन्ना। लेकिन पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिनका निधन हो गया है? ए एस आनंद, एस पी भरूचा, आर सी लाहोटी। किसका निधन हो गया हाल ही में, किस चीफ जस्टिस का निधन हो गया? सपना चौहान, चंदा कुमारी, जल्दी बताइए किस चीफ जस्टिस का निधन हो गया? आर सी लाहोटी। सही उत्तर क्या होगा जी? आर सी लाहोटी, आर सी लाहोटी। सामने में लाहोटी साहब का चित्र मैंने दिया है जिनका डेथ हो गया, आर सी लाहोटी, पूर्व सीजेआई का डेथ हो गया। अब वर्तमान में सीजेआई कौन है? वर्तमान में सीजेआई एनबी रमन्ना है, 48वें, नोट कर लो, 48वां नोट करना जरूरी है क्योंकि नंबर भी पूछ लेता है। चलो नेक्स्ट आ जाओ आगे, हाल ही में इंडियन आ गया, चलो भैया, चलो चलो, साउंड आ गया भाई। इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी का कहां हुआ भैया? विशाखापत्तनम, विशाखा, विशाखापत्तनम, नोट कर लीजिए। अब विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, आगे बढ़ते हैं। देखो यहां सामने दे दिया हूं, इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी। नेक्स्ट आ जाओ आगे, हाल ही में सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का निर्णय लिया है? जल्दी उत्तर दीजिए, कितने नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे? 220, 145, 170, 150। सुन लो, एक बहुत एक इंपॉर्टेंट जानकारी सुन लो, दो तरह के हवाई अड्डे होते हैं, एक पुराना हवाई अड्डा, उसी को नया बना दिए पूरा मरम्मत करके, तो उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं दो तरह के हवाई अड्डा, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, और जो एकदम बिल्कुल नया हवाई अड्डा बनाए हैं, पुराने हवाई अड्डा नहीं, एकदम से नया हवाई अड्डा है, पुराना को नहीं मरम्मत किए, एकदम से नया हवाई अड्डा, तो उसको बोलते हैं ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। क्या बोलते हैं? ग्रीनफील्ड। यहां क्या लिखा है? नया हवाई अड्डा बनाया जाएगा 2025 तक, कितना, कितने ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बनाए जाएंगे? ग्रीनफील्ड अगर लगा हो, ग्रीनफील्ड लगा हो तो समझ लेना बिल्कुल नया हवाई अड्डा बन रहा है, पुराना का मरम्मत नहीं किया गया, नया, बिल्कुल नया। तो भैया 220 नए हवाई अड्डे बनेंगे 2025 तक, नोट कर लीजिए। एविएशन मिनिस्ट्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। उन्होंने निर्णय लिया है कि 2025 तक 220 क्या करेंगे भैया? नए हवाई अड्डे बनाएंगे। चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, सामने देखिए, ये हवाई अड्डा का बेहतरीन चित्र मैंने लिया है,
नेक्स्ट आओ। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का स्पॉन्सर करने वाली पहली बार, अभी तक फीफा को, फीफा इतना बड़ा खेल है जी, इंडिया कंपनी आज तक कोई स्पॉन्सर नहीं कर पाया उसको, इतना जाइंट है फीफा। क्रिकेट को सब कर लेते हैं स्पॉन्सर, लेकिन फुटबॉल को स्पॉन्सर करना इतना आसान बात नहीं, महंगा गेम है। तो भैया फुटबॉल फीफा को, फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई? पेटीएम, बाइजू, अनअकैडमी या फिर गूगल पे? जल्दी बताओ कौन करेगा स्पॉन्सर, चलो बताओ। सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दो, अगर अच्छा लग रहा है सेशन तो लाइक बटन दबा दो, एक सेकंड लगता है, लाइक कर दो और कमेंट करो कैसा लग रहा है सेशन। चलो भैया इसका सही उत्तर होगा बाइजू, बाइजू कोचिंग भी चलाता है, बाइजू लड़कों को पढ़ाता भी है, इसने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का स्पॉन्सरशिप लिया है। चलिए भैया नेक्स्ट आइए, देखो सामने बाइजू का मैंने चित्र दिया है, द लर्निंग एप्लीकेशन है बाइजू। बाइजू क्या है जी? एक लर्निंग एप्लीकेशन है जहां हर तरह के कोर्स कराए जाते हैं। हाल ही में सेबी ने अपने नियमों का उल्लंघन करने पर 5,00,000 रुपए का जुर्माना लिया है, किससे? HDFC, ICICI बैंक या एक्सिस बैंक या LIC? जल्दी बताइए किससे, किससे लिया है? सेबी ने 5,00,000 का जुर्माना चार्ज किया है, किस पर चार्ज किया? जल्दी बताओ किस पर चार्ज किया 5,00,000 का जुर्माना? एक्सिस बैंक। किस पर चार्ज किया? एक्सिस बैंक, नोट कर लीजिए, एक्सिस बैंक पर 5,00,000 रुपए का जुर्माना चार्ज किया है सेबी। मैंने बताया है स्थापना 1988, उसे स्वायत्त संस्था का दर्जा कब मिला? 1992, हेडक्वार्टर मुंबई। किसको कंट्रोल करता है सेबी? सेबी किसको कंट्रोल करता है जल्दी बताओ? शेयर मार्केट, वायदा बाजार और म्यूचुअल फंड, नोट कर लेना। पूंजी बाजार को कंट्रोल कौन करता है? सेबी। हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस क्या कर रही है भैया? पढ़ाई शुरू करवा रही है। टीसीएस ने इंडस्ट्रियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एमटेक लॉन्च किया है, एमटेक का कोर्स, एमटेक कोर्स लॉन्च किया है। किसके साथ मिलकर? कौन से आईआईटी के साथ मिलकर? किस आईआईटी के साथ मिलकर टीसीएस ने शुरू किया है औद्योगिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एमटेक कोर्स? टीसीएस ने एमटेक का कोर्स शुरू किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, किसके साथ मिलकर? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की। सही उत्तर होगा आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर, आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर क्या है? थकना नहीं है, खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, और जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी इतिहास। तटस्थ रहो, दुनिया को भुला जाओ, तटस्थ रहो, इतिहास लिखेगा एक दिन, समय लिखेगा आपका इतिहास। चलो भैया, टाटा कंसल्टेंट सर्विस ने मद्रास आईआईटी के साथ मिलकर इसने क्या किया है? चलिए लास्ट प्रश्न है, हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में टॉप पर कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तुर्की? जल्दी बताओ कौन रहा टॉप पर नाइट फ्रैंक द्वारा जारी? कैसा लगा सेशन? इस सेशन का लास्ट सवाल है, बिना उत्तर दिए कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, सब लोग इसका उत्तर देगा। सेशन को लाइक कर दो, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो भैया कौन सा देश नाइट फ्रैंक में रहा है? तुर्की। क्या आंसर होगा? तुर्की रहा है टॉप पर। इंडिया कहां रहा है देख लीजिए, इंडिया 56वां रैंक पे है। भारत किस रैंक पे भैया? अच्छा इस साल का 51 है, सॉरी यहां पर चेंज कर लीजिएगा, इस साल का 51 नोट कर लीजिएगा, 51। चलिए तो चलिए, कैसा लगा सेशन एक बार बता दीजिए आप लोग कमेंट करके, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए, ऐसे ही प्यार मोहब्बत और इज्जत सम्मान बनाए रखिए, हम आपके लिए जान देने को तैयार हैं। रिजल्ट चाहिए, हम चाहते हैं गुलदस्ता और सॉल लेकर आपको यहाँ स्वागत करें, तो लगातार जुड़े रहिए, लगे रहिए, मिलते हैं कल शाम को बेहतरीन करंट अफेयर के सेशन के साथ फिर से, और बिहार स्पेशल भी हम शुरू करेंगे, बीच में 2-3 दिन गैप हो गया इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, और फिर से कल से हो सकता है बिहार स्पेशल शुरू करूँ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।